News 18, India. और आज की एक और बड़ी खबर, बात किसानों की। जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रहे हैं ना, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर मोदी तानाशाह होते तो किसान कानून वापस नहीं होते। किसान कानून उन्होंने वापस लिए। मोदी तानाशाह होते तो किसान कानून वापस नहीं होते। वो ये नहीं कहते कि शायद उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई, कि वो किसान कानून के फायदे किसान भाइयों को समझा नहीं पाए, इसके लिए माफी मांगी थी उन्होंने। आज किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। मांग है कि 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दी जाए, लेकिन गारंटी मांगते हुए किसान आज ये बात खुद मान रहे हैं। सुनिएगा क्या कह रहे हैं आज किसान, क्योंकि फसलें मंडियों में लुट जाती है, मंडियों में किसानों से फसलें कम दामों पर कौन लूटता है? आढ़ती है, मिडलमैन, बिचौलिए लूटते हैं। ये शब्द सुनकर आपको वो कथित काले कानून याद आए? वो काले कानून जो आढ़तियों, बिचौलियों, मिडलमैन पर चोट करते थे, इन्हीं को बीच से हटाने के लिए सरकार कृषि कानून लेकर आई थी। आज हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि काश मोदी की सुन ली होती इस वक्त वो कृषि कानून जिनके विरोध में किसान महीनों सड़कों पर बैठे रहे। कथित किसान कह लीजिए आप, किसानों के पैर पर राजनीतिक कुल्हाड़ी ऐसी पड़ी है। आज किसानों की शिकायत क्या है? मंडियों में उन्हें लूटा जा रहा है, बिचौलिए उनकी मेहनत हजम कर रहे हैं, मंडी में सही दाम नहीं मिल रहे हैं, बिचौलिए लूट रहे हैं, यही है ना शिकायत। इसी का हल उन कथित काले कानूनों में भी था जो लागू होते ना तो एक देश एक बाजार, वन नेशन वन मार्केट, एक देश एक बाजार का उद्देश्य पूरा होता है। आप सोचिए ना, तीन काले कानून हटने से तो किसानों का एकदम राम राज्य आ जाना चाहिए था, किसान तो बहुत खुश हो गए थे। अब क्यों है फिर सड़कों पर? अब तो कथित काले कानून वापस हो गए। उद्देश्य क्या पूरा होता है? मंडियों में आढ़तियों की ब्लैकमेलिंग खत्म होती है, मंडियों के बाहर भी किसान अपनी मर्जी के दाम, अपनी उपज के दाम खुद तय करते, मंडियों की ब्लैकमेलिंग खत्म होती है, पूरे देश में एक बाजार होता, कहीं भी वो बेच पाते। लेकिन तब किसी ने सरकार की नहीं सुनी। आज किसान नेता खुद कह रहे हैं कि मंडियों में उनकी मेहनत का सौदा हो रहा है। आप जानते हैं एक और बात इंपॉर्टेंट क्या है, कि अब भी इनमें से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ कथित किसानों की एक जिद ने देश के करोड़ों किसानों का नुकसान कर दिया, बल्कि आज एक बार फिर नए मुद्दे के साथ सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, शहरों को बंधक बनाया जा रहा है। देखिए आप, ट्रैक्टर सड़कों पर रहने एक दिन का हवा नमना कह दिया, जो एक नैतिक सेट किया जा रहा है आम पब्लिक के अंदर आवाज है कि एकता की बात नहीं है, इन मोर्चों ने किसी के साथ बातचीत नहीं की है। जब सरकार ने बैरिकेड लगाए थे तो ये सवाल है भी तब आपका उचित फैसला था या अब बैरिकेड हटा रहे हैं तब आपका उचित फैसला, तो सरकार खुद कंफ्यूजन में। सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। किसान आंदोलन का आज 14वां दिन है। 29 फरवरी तक किसान दिल्ली कूच का फैसला टाल चुके हैं, लेकिन वो पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का विरोध किया, लेकिन किस तरह किसानों के इस आंदोलन में दो फाड़ हो चुका है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंडेर के इस बयान से पता चलता है, जब उनसे संयुक्त किसान मोर्चा के ट्रैक्टर मार्च के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बारे में पता ही नहीं। तो क्या किसानों के आंदोलन में फूट पड़ चुकी है? अगर
अगर बीकेयू की हम बात करें तो कल कुछ दिल्ली के बॉर्डर से जुड़े हुए हिस्सों में एक ट्रैक्टर मार्च जो है वो करने जा रहे हैं, तो क्या एसकेएम से भी कोई बातचीत अभी? देखिए, अभी एसकेएम का कोई हमें प्रस्ताव तो नहीं मिला बातचीत, अगर देंगे तो हम करेंगे। हर एक की आज़ादी, हम तो सब देश से जत यूनियन से निवेदन करते हैं, ये जो मोर्चा वर्ल्ड वाइड चल रहा है, बड़ा मोर्चा जो यहाँ से आह्वान होता है उसको लागू करिए, अगर कोई इसके पैरेलल करेंगे तो ये मोर्चे के लिए उचित नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर उतरे। कोर्ट ने किसानों को हाईवे पर ट्रैक्टर लाने से साफ मना किया है, लेकिन इसके बावजूद आज किसानों ने हाईवे पर अपने ट्रैक्टर्स उतार दिए। जेवर, दादरी से लेकर नोएडा तक किसानों के ट्रैक्टर मार्च की वजह से कई जगहों पर जाम लगा, जिसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज जो आह्वान किसानों का है उसको देखते हुए पूर्व में तैयारी कर ली गई है, जितने भी बॉर्डर हैं उन सबको सील किया गया है, फोर्स को डिप्लॉय किया गया है, सिविल पुलिस के साथ साथ हमारे इंटेलिजेंस की टीमें भी लगी हुई हैं, तो सुरक्षा और कानून व्यवस्था के साथ साथ ट्रैफिक का जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ सभी किसान संगठनों के साथ वार्ता भी लोकल से लेकर सीनियर ऑफिसर स्तर तक हुई है। किसान आंदोलन के 14 दिन हो चुके हैं और अब तक करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई तो कई लोगों की जाने भी गई है। किसानों के इस आंदोलन के दौरान सामने आई उपद्रव की तस्वीरें भी सबने देखी। जब बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की, यहां तक कि हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस पर लाठी, पत्थर और गंडासे से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों की भीड़ ने पुलिस को घेर कर पराली में मिर्च डालकर जलाया, जिससे पुलिस कर्मियों का दम घुट जाए। सवाल ये है कि किसानों के इस आंदोलन में साजिश की आग कहां से आई? अब किसान नेता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आंदोलन में जिस तरह की हिंसा हुई वो गलत थी। बर्ची बांध लेते हैं और जेसीबी से हम कामयाब हो सके किसी की सोच इस तरह की होगी, पर नहीं, जो समझदार आदमी में इस तरह की हिंसा में हम कोई विश्वास नहीं करते, और बालेर बरछीर बंदूक इससे सरकार का मुकाबला नहीं होने का और ना होना ना करना चाहता है। अमेरिका तो ग्रीन बॉक्स में अपने किसान को, एक किसान को सालाना $85,000 की सब्सिडी दे रहा, हमारी सब्सिडी ₹258 है। अब देखिए, दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। इस माहौल में सरकार बताए ना हमें भी वार्ता जारी रखी जा सकती है, जिस तरह से आप इंटरनेट सेवाएं बंद रखें, जिस तरह से आपने 50,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय किए हैं, तो आप, मैं आज भी बोल रहा हूं, इस सामान्य परिस्थिति बहाल कीजिए। आज एक बार फिर किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। कल यानी 27 फरवरी को किसान यूनियनों की अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। 28 फरवरी को किसान यूनियंस की साझा बैठक होगी और 29 फरवरी को किसान नेता आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेंगे। आंदोलनकारी किसान जिन दो बड़ी मांगों को लेकर अड़े हैं, उनमें पहली मांग MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी है और दूसरी मांग है भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन और मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर निकले। ये दोनों ही मांगे ऐसी हैं जो देश के विकास को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी, और यही वजह है कि चार दौर की बातचीत के बाद भी अब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी है।